किसी भी सीज़न में गार्डन में अगर कलर्स ना हो तो गार्डन सूना सूना लगता है, बिल्कुल खाली सा लगता है। तो उस खालीपन को भरने के लिए हमें गार्डन में फ्लावर्स को ऐड करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी लोकेशन पर रहते हैं कि जहाँ पर धूप नहीं आती है, क्योंकि फूलों को खिलने के लिए धूप चाहिए, मोस्टली फ्लावर्स को खिलने के लिए धूप की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप ऐसी लोकेशन पर रहते हैं जहाँ पर धूप नहीं आती है या बहुत कम आती है, तो वहाँ पर आप कौन कौन से प्लांट्स ऐड कर सकते हैं, इसी टॉपिक पर आज का मेरा ये वीडियो है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कलरफुल फॉलिएज प्लांट्स हैं जिनको आप अपने गार्डन में ऐड करके कलर्स ऐड कर सकते हैं और आपका गार्डन बिना फूलों के भी बहुत ही कलरफुल दिखाई देगा इन प्लांट्स को ऐड करने के बाद। मैंने अपने गार्डन के हर कॉर्नर में इन प्लांट्स को ऐड किया हुआ है। इन प्लांट्स को लगाने के और क्या क्या फायदे हैं वो आगे वीडियो में बताऊंगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरा सबसे फेवरेट प्लांट, जी हाँ ये है कोलियस, और मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, क्योंकि इसके हर पत्ती में इतने सारे कलर्स होते हैं, इतने सारे पैटर्न्स होते हैं कि इनको बार बार देखने का मन करता है। और अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर मैं डेली अपने गार्डन का चक्कर जरूर लगाती हूँ इन प्लांट्स को देखने के लिए। हर पत्ती में आपको अलग अलग कलर मिलेंगे, अलग अलग पैटर्न्स मिलेंगे, एजेस भी कईयों के अलग होते हैं, पत्तियों की जो शेप होती है वो अलग होती है। देखिए कितने वाइब्रेंट कलर हैं, कितने प्यारे कलर्स हैं, किसी का भी दिल खुश हो जाए इनको देखकर। इन सभी प्लांट्स की एक खासियत ये भी है कि आप एक बार इनको अपने गार्डन में ऐड करेंगे यानी खरीद कर लाएंगे, उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनकी कटिंग्स लगाकर, और ये सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। नर्सरीज में ये प्लांट आपको 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपके आस पड़ोस में कहीं लगा हो तो आप इसकी कटिंग इजीली लगा सकते हैं। 3 से 4 इंच की कटिंग लीजिए और सैंडी सॉइल में लगा दीजिए, बहुत ही अच्छे से चलेगा। ये अगला प्लांट है डेविल्स बैकबोन, ये भी एक बहुत ही सुंदर प्लांट है। गर्मियों में इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन और ऑफ वाइट कलर की होती हैं, और सर्दियों में इसके कलर्स चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल आप देख रहे होंगे जैसे कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। एक टाइम आता है कि इसकी पूरी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, सिर्फ स्टिक्स रह जाती हैं, लेकिन फिर से नई पत्तियाँ निकलने लगती हैं। नेक्स्ट ये है कलेडियम का प्लांट, और ये भी बहुत ही सुंदर कलरफुल फॉलिएज प्लांट है। आप इसकी पत्ती की शेप देख ही सकते हैं, हार्ट शेप की बहुत ही प्यारी पत्ती होती है। लेकिन अगर इसको आप अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो इस समय ना लेकर आएं, क्योंकि अब इसका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट होने वाला है, धीरे धीरे सारी पत्तियां झड़ जाएंगी और फिर नए नेक्स्ट सीजन में इसकी पत्तियां निकल कर आएंगी। मार्च अप्रैल के मंथ में आप इसके बल्ब लगाइएगा, बहुत ही अच्छे से पूरा सीजन आपको ये कलरफुल फॉलिएज मिलेगा। इन सभी प्लांट्स की एक खासियत है कि इन प्लांट्स को आप जैसी लोकेशन में रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको कलर्स मिलेंगे, यानी कि थोड़ी बहुत धूप आती होगी अगर एरिया में तो थोड़े कलर अलग मिलेंगे, बिल्कुल छाया होगी तो कलर बिल्कुल अलग होगा, और थोड़ी ज़्यादा धूप वाले एरिया में रखेंगे तो कलर थोड़ा अलग आएंगे। तो ओवरऑल मतलब कलर्स आपको इसके वेरिएशन मिलेगी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। ये देखिए एक और कलर है कोलियस का, कितना सुंदर, बिल्कुल डार्क मैरून कलर का ये कोलियस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्लांट की ओर। ये प्लांट है कॉपर लीफ प्लांट, इसको एक्लिफा विल्किसियाना नाम से भी जाना जाता है। इसको कॉपर लीफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर्दियों में इसकी सारी पत्तियाँ कॉपर कलर की हो जाती हैं, जबकि गर्मियों में ये डार्क ग्रीन और पिंकिश होती हैं, ऑफ वाइट पिंक डार्क ग्रीन, बड़े प्यारे से कलर्स आते हैं इसमें। समर्स में भी, विंटर में पूरी कॉपर हो जाएंगी। एक एक पत्ती पे आप देखिए इस तरीके से लाइट पिंक कॉपरिश पैटर्न होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है, और इसको आप कटिंग से बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। मैंने भी ये प्लांट करीब 4 से 5 साल पहले कटिंग से लगाया था, और उसके बाद मैंने इसकी कम से कम नहीं तो 20 से 25 कटिंग्स लगाई हैं और सब अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट की हैं। अभी भी मेरे पास ये 2 कटिंग्स हैं, देखिए 2 कटिंग्स क्या पूरे प्लांट्स बन गए हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं गार्डन में। ये एक परमानेंट प्लांट है, गार्डन में कलर्स ऐड करने के लिए आप इसको जरूर लगाइएगा, और इसको आप किसी भी एरिया में इजिली रख सकते हैं। इन सभी पौधों को सालों साल अपने गार्डन में बनाए रखने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी है। जैसे कि कोलियस में अगर आपको इस तरीके की ऊपर से बर्ड दिखाई दे, फली दिखाई दे, ये फ्लावर बर्ड्स हैं, अगर आपको ये दिखाई दें तो आप इनको तोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो प्लांट है सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा और उसमें नए नए शूट्स निकलेंगे, वो बुशी हो जाएगा काफ़ी। तो ये काम आपको ज़रूर करना है कोलियस में, क्योंकि इसका फ्लावर बहुत ही हल्का होता है देखने में, बिल्कुल तुलसा जी की मंजरी जैसा। इसको हटा देंगे तो प्लांट की लाइफ बढ़ जाएगी। अगला कलरफुल फॉलेज प्लांट है अरेलिया का, ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी पत्तियों की शेप मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल गोल पत्तियां होती हैं और इसमें वेरिगेशन होता है।
ये नॉन वेरिगेशन वाला है, इसमें प्लेन पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी। ये मेरे दो प्लांट एक ही गमले में लगे हैं, एक वेरिगेटेड और एक नॉन वेरिगेटेड। देखिए अभी दिखाती हूँ आपको, वेरिगेटेड वाले में एजेस पर या कहीं कहीं पर आपको ऑफ वाइट पैचेस दिखाई देंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आप इसको कटिंग से इजीली लगा सकते हैं, ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही रेडी किया है। अगला प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम एक बहुत ही सुंदर कलरफुल फॉलिएज प्लांट है, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, पत्तियों की शेप भी अलग अलग होती है, काफ़ी सारी में पतली पत्तियां होती हैं, किसी में चौड़ी होती है। एरो हेड प्लांट भी इसको बोला जाता है, और इसको भी आप आसानी से किसी भी एरिया में लगा सकते हैं, चाहे धूप आती हो, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको ऐसी ही जगह पर प्लेस करिएगा जहाँ पर बहुत कम धूप आती हो, क्योंकि ज़्यादा धूप में इसकी पत्तियाँ झुलस जाती हैं, जल जाती हैं। ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है और आप आसानी से इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक इंडोर प्लांट है, आप चाहें तो इसको इंडोर भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं, सिंगोनियम की, कोलियस की, सभी कटिंग्स को मैंने एक जगह पर रख दिया है, और जैसे ही मेरे गमले खाली होते हैं मैं इनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इवन किसी भी पॉट में मुझे जहाँ जगह मिलती है मैं वहीं पर इनकी कटिंग्स को लगा देती हूँ। ये देखिए रोजमेरी का प्लांट है, उसी में मैंने कोलियस की कटिंग लगा दी है। कुछ मैंने रोजमेरी की कटिंग्स भी लगाई हैं ट्राई करने के लिए, क्योंकि रोजमेरी की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी सैंडी सॉइल होती है, और कोलियस को भी अच्छी रूटिंग के लिए आप वैसे तो किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन सैंडी सॉइल में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती है। नेक्स्ट ये है डाइफन प्लांट। डाइफन में भी बहुत ही प्यारे से सुंदर से वेरिगेशन होते हैं, अलग अलग वेराइटी में अलग अलग वेरिगेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सेमी शेडी एरिया में आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, जिस एरिया में धूप नहीं आती है बहुत ही अच्छे से ये सर्वाइव करते हैं, और इसको बहुत ही इजिली मल्टीप्लाई किया जा सकता है कटिंग से। एक और बेहद सुंदर प्लांट ये है क्रोटोन का प्लांट। क्रोटोन में बहुत ही सुंदर सुंदर वैरायटी आती हैं, बहुत ही सुंदर इसके कलरफुल पत्ते होते हैं, जिससे आपके गार्डन में बहुत ही अच्छे से कलर्स आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा खासा हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, आप एक बार इसको अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो सालों साल बना रहेगा। मेरे ये प्लांट करीब 7 से 8 साल पुराने हो चुके हैं और अभी भी बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर इसमें वेरिगेशन है, पत्ती के फ्रंट साइड में येलो, बैक साइड में रेड, बहुत ही सुंदर, और कर्ल लीव्स होने के कारण सारे वेरिगेशंस आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि इसकी कर्ली लीव्स हैं। अलग अलग वेराइटी में अलग अलग पैटर्न भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। ऐसी बालकनी या एरिया जिसमें धूप कम आती हो, ये प्लांट बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं। इस प्लांट को भी आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं कटिंग से, लेकिन इसकी जो कटिंग है वो एयर लेयरिंग के द्वारा की जाती है। मतलब इसके नए प्लांट्स को आप एयर लेयरिंग के द्वारा रेडी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो ये थे कुछ बहुत ही हार्डी कलरफुल फॉलिएज प्लांट जिनको आप अपने गार्डन में ईजिली ऐड कर सकते हैं, ऐसे एरिया में भी जहाँ धूप कम आती है, और जहाँ पर धूप आती है वहाँ पर भी आप इनको ईजिली ग्रो कर सकते हैं। सारे ही प्लांट परमानेंट प्लांट हैं, सिर्फ कलेडियम को छोड़कर। कलेडियम भी एक परमानेंट प्लांट है, अगर उसके बल्ब जमीन में रह जाते हैं तो नेक्स्ट सीजन में वो भी निकल आता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।